आपके द्वारा आज रमजान का लास्ट दिन है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप बांट रहे हैं? सबसे पहले बात तो ये कहना चाहूँगा मेरे लोगों को, बहरामपाड़ा नौपाड़ा वाले लोगों को, जो रमज़ान के महीने में अच्छे से रोज़ा रखे और कोई चीज़ की गलत चीज़ें नहीं हुई, सब लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया। सबसे बड़ी बात है मेरी जो एरिया सबसे कंजेस्टेड एरिया है, उसके बाद मेरे लोग ने इतने अच्छे से रमज़ान निकाले, लॉकडाउन में संभाले। वो कोविड केस देखा जाए तो बांदेश में मेरे वार्ड में तो है ही नहीं, आप कहीं डिटेल देखा जाएंगे। और ये हर साल मैं लोगों का इंतज़ाम करता हूँ 2000 फैमिली का, आज ये मेरा 5वां साल है जब से मैं सुशीलनगर नगर सेवक बना हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। हर साल हम लोग गरीबों घर में, जिनके घर में ईद नहीं होती है, शिरकुर्मा का इंतजाम नहीं होता है, वो सब हम लोग करते हैं। जी सर, आज कहने की 2000 परिवार को आपके द्वारा दूध और सेवें बांटे गए हैं, फिर इसको कैसे देखते हो? ये तो मेरा काम था, जो इलेक्शन लड़ने से पहले मैं सोच के आया था जब मैं लड़ूंगा तो ये काम मुझे करना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शिवसेना की 80% काम करना और 20% राजकरण करना, तो 80% काम करने में भरोसा लगता हूँ, जो उद्धव साहब, आदित्य साहब और अनिल परब साहब का आदेश है। सर, टारगेट कितना का दिया गया है, क्या बताना चाहेंगे? टारगेट कितना दिया गया है, क्या चीज़ के लिए टारगेट के बारे में? सर, ये जो आप बांट रहे हैं दूध और सेवें, ये 2000 परिवार को हम लोग पहुँचा रहे हैं, 2000 परिवार को। कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे कोरोना काल, यही अपने आप को संभालिए, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो आगे देश चलेगा, हम चलेंगे तो अपने आप को संभालिए। जी सर, कल ईद है, क्या सूचना, क्या संदेश है आपके पूरा भारत के निवासियों के लिए? ईद है, इसलिए तो मेरे आँख में आंसू आप देख रहे हो, क्योंकि गम इस बात का है, जिसको ऊपर वाले ने दिया हो तो ईद बना सकता है, पर जिनको नहीं दिया है वो गरीब क्या करा, तो वो इंतजाम हमने किया, इसलिए मेरे आँखों में आंसू है, मैं उस बात के लिए मेरे आँख में आंसू आई। क्योंकि बहरामपाड़ा नौपाड़ा के जो गरीब परिवार है, जो गरीब घर है, उनके हाथों से रोजगार छीना गया है, आज उनके जो आपने से नेतृत्व तो लिया है, सबके आंसू, सबके आंखों में हमें खुशी देखो प्राप्त हुआ, इसको सर कैसे? तो वही खुशी देख के मेरे आंखों में आंसू है, क्योंकि अमीर तो अपना इंतजाम कर ही लेता, गरीब बेचारा कहाँ से करेगा, तो जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई है, तो वो चीज़ की वजह से मेरे आंखों में आज आंसू है, उनकी खुशी देख के मुझे अच्छा लग रहा है, यही मेरी ईद है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हलीम खान जी द्वारा जो रमजान का आज लास्ट दिन है, हलीम जी द्वारा वार्ड नंबर 96 से जो किया जा रहा है वितरित, क्या कहना चाहेंगे? अजीम खान का लास्ट दिन नहीं है, आज रमजान का लास्ट दिन है और कल ईद है, और मैं चाहूँगा कि ये नेता अगर पब्लिक अगर खो डालती है तो उनके बेवकूफ़ी। रमजान महीने में हलीम भाई ने नौपाड़े जैसे एरिया में जो 30 साल से जो परेशानी तकलीफ थी, आज पानी का मसला उन्होंने सॉल्व किया, आज लोगों के घर में गंदे पानी की जगह पे और अच्छा पानी आ रहा है। इसके अलावा हलीम खान जो भी कुछ है, हर महीना राशन पब्लिक को दे रहे, आज दूध का इंतजाम कर रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को सब सेवा ही दूर और बांटा जा रहा है, इसी पर आपका बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, हाजी अली भाई को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबको मेरा सलाम। और कल हमारी ईद है, रमज़ान ईद है, और उन्होंने 2000 आदमी का दूध का सेवई का इंतज़ाम किया है, अल्लाह उनको और नवाजे, और हर महीना राशन भी देते हैं, और हर 30 तारीख को राशन देते हैं हर महीना गरीब लोगों को, और अभी रमज़ान के चांद रात है आज, और वो हम लोगों को सेवई दूध सबका इंतज़ाम किया उन्होंने। और अभी 5 साल में मैं देख रही हूँ, ये 5 साल से हम लोगों को बराबर से नौपाड़ा, घास बाज़ार, रजाक चाल, ये सब जगह पे गटर, पानी, रोड का बहुत बहुत आराम किया है उन्होंने, और हमारे नौपाड़े में, घास बाज़ार में, और सब जगह पानी का बहुत आराम किया है उन्होंने, बहुत बहुत मेहनत की है, अल्लाह उनको कामयाबी दे, और उनके बाल बच्चों में अल्लाह हर खुशी दे, और सब अच्छा करे उनके घर में, क्योंकि वो इतने लोगों की दुआ ले रहे हैं, बहुत दुआ ले रहे हैं, अल्लाह उनको हर चीज़ से नवाजेगा इंशाल्लाह। हम 96 वार्ड के हैं, नगर सेवक हमारा हलीम खान, बराबर, और हम यहाँ के कार्यकर्ता हैं, इतने हमारे 4 साल पूरे हो गए यहाँ, और ऊपर भी ये कोरोना का सब महामारी है, इसका सब हमारे दे रहे। और दूसरी एक बात, हम 4 साल से हर महीने की 30 तारीख को हमारा नगर सेवक दे रहे, और हम पूरी तरह से उनको काम, और रजाक चाल वो यहाँ 96 वर्ष, कोई बोलने की, आप खुद ही जाके एक बार देख लो कि हमारा वार्ड इतना अच्छा है, जब से शिवसेना आया है ना तब से बोलने की ज़रूरत नहीं। हमारा अनिल साहेब सब हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और अभी भी नौपाड़ा एरिया बोलो, कोई भी एरिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको मिलेगी, कोई भी, और कुछ भी काम रहेगा तो 1 से 2 दिन काम बराबर हो जाता है, उसमें कोई भी आपको कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत ही
तुरंत समझो दो दिन हुआ बस तीसरे दिन उसका काम हो जाता है। गटर भी हमारी पाइपलाइन एकदम बेस्ट काम किया है।